जाएंगे। आपको इसी बात का डर है ना कि ये रोग फैल ना जाए। मैं लेती हूँ इसकी जिम्मेदारी। घर का कोई भी कोना चल जाएगा, इनका खाना पीना सब अलग कर दूंगी भाभी। और आप ऐसे देख क्या रहे? आपको तो खुद यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन आपको तो शर्म भी नहीं आती कि आपकी पत्नी यहाँ ऐसे गिड़गिड़ा रही है। और शर्म आएगी भी क्यों? कुलकर्णी सरकार के बताए हुए सच का मातम जो मना रहे हैं आप। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपके इस मातम में हम आपका साथ नहीं देंगे। इसीलिए ये सब कुछ समेटिए और निकल जाइए इस घर से अभी और इसी वक्त। भाभी, रोग होने से रिश्ते तो नहीं बदल जाते ना? भाभी, पता नहीं कौन से पाप की सजा भुगत रहा हूं मैं इस रोग के रूप में, लेकिन सजा भुगतने की सजा तो मत दीजिए आप। ऐसे मुश्किल समय में तो परिवार की तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है इंसान को। दादा, आप क्यों नहीं बोलते कुछ? दादा, वो वहीं रुक जाओ। दूरी देख रहे हो राणो जी? ये दूरी तुम्हारे रोग का सत्य है। भाभी, आप एक बार शांत दिमाग से सोचिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं सोचना। और तुम्हें अपने पति की ज्यादा चिंता हो रही है ना, तो चली क्यों नहीं जाती अपने पति के साथ? चलो कावेरी। जाओ ना, तुम्हारा पति तुम्हें बुला रहा है। और तुमसे ज्यादा उसका ख्याल कौन रखेगा? जाओ ना, चलो
चलो बेटा। क्या हुआ कावेरी? चलो ना। साड़ी वाला मेरी जान पहचान का, जो हाट में दुकान लगाने वाला, उससे मैं ये लाया हूं तुम्हारे लिए। लो रख लो। पर आप इनको अकेला मत छोड़िएगा। छुपना चाहो फिर भी तुम्हारा दर्द मुझसे छुप नहीं सकता। तुम्हारी पीड़ा मुझ तक पहुंच रही है। छुपना ही था तो यहां रुके क्यों? क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में ये जख्म कैसे? अंदर आओ। तुम्हारे हाथों की पीड़ा से ज्यादा कष्ट तो तुम्हारे दिल को है। दिल का बोझ हल्का कर लो। Thank you.
इतनी रात को क्या काम आ गया सरकार को जो ऐसे बुलावा भेजा? कहीं उस माधव को तो नहीं निकाल रहे हैं? पंता जी क्या सोच रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे। सरकार की जय हो। क्या हो गया सरकार, कोई समस्या? अरे ओ हंसी आ रही है अपनी अपनी सोच पर। भय जो होता है ना अंता पुंता, विवेक का शत्रु विचार शक्ति का नाशक हो जाता है। जैसे आज हुआ, राणो जी और उसके रोग के भय ने मानो कुलकर्णी सरकार की सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर दिया। जाओ, राणो जी के पास जाओ। अरे ओ, उसे छूने के लिए नहीं कह रहा हूं, केवल एक समाचार देना है उसे। समाचार? हाँ, समाचार। उसे जाकर कहो कि पूरे शिरडी में उसके रोग का उपचार करने वाला केवल एक ही व्यक्ति है। बहुत प्रतीक्षा की मैंने, लेकिन अब लग रहा है जैसे हाथों में ब्रह्मास्त्र आ गया है। किसी ने सच कहा है, ऊपर वाले के यहां देर होती है अंधेर नहीं। अंग्रेज सरकार के कारण तेरे साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सका, मेरे हाथ बंधे हुए थे। जिन्हें तू भक्त बनाना चाहता था वो तुझे थक्के मार कर निकालेंगे यहां से। अरे ओ, रुकिए। साईं कहाँ रहते हैं आपको पता है? साईं? हाँ, वो वैद्य है ना जो किसी भी रोग का इलाज कर देते हैं, उन्हें ही ढूंढ रहा हूं मैं। कहाँ मिलेंगे? ये तो बड़ी अजीब बात है। मुझे लगा कि जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर के गांवों में फैल गई है उन्हें यहाँ शिरडी में तो सब जानते होंगे। अच्छा, यहाँ कोई खंडहर है? मैंने सुना है कि रात में वही मिलते हैं वो। आप यहीं के हैं ना? मैंने तो यही सुना है कि साईं मरते हुए को भी जिंदा कर देते हैं। हाँ, हर घातक रोग का एक ही मार्ग है साईं, और हर लाइलाज रोग का एक ही इलाज है साईं। तभी तो लोग धीरे धीरे यहाँ के कुलकर्णी सरकार को छोड़कर साईं पर विश्वास करने लगे हैं। चलिए, मैं ही ढूंढता हूं उन्हें। मुझे लगता है आपका काम हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये
मेरे पीछे कहना है तुझे। ओम पूर्णमदः। ओम पुण्य नमः। पुण्य नहीं होता है पूर्ण। ओम पूर्णमदः। ओम पूर्ण नमः। बस आज के लिए बस हो गया, जाओ। चल चल चल। सरकार सब सामान आ गया है। क्या सोचा चू? दादा उसके गांव में कुछ भी अच्छा नहीं है और उसका घर। उससे ज्यादा थाट से तो तुम्हारे अंता पंता रहते हैं। मैं समझ सकता हूँ चू, लेकिन तुम्हारा संस्कृत का अध्यापक पति क्या रहेगा यहाँ हमेशा के लिए? यदि उसे कोई आपत्ति नहीं है तो तुम दोनों को मैं आज जीवन संभाल सकता हूँ चू, लेकिन तुम तो जानती हो वो कितना स्वाभिमानी है, इस प्रस्ताव का स्वीकार नहीं करेगा वो। तो फिर रास्ता क्या है दादा? कुछ समस्याओं का समाधान स्वयं निकालना पड़ता है जीव। मैंने भी ऐसे ढूंढ निकाला है समाधान अपनी समस्या का। वो ढोंगी बैरागी है ना? हाँ। उसके ज्यादा दिन शेष नहीं है शिरडी में। सच? कैसे? अब क्या किया तुमने? देखो इसे, बताओ इसे हमने कैसे किया। वो मिला कुष्ठ रोगी तुम दोनों को। आप काम कहे और हम ना करे ऐसा कभी हुआ है? अभी तक तो उसे पूरा विश्वास हो गया होगा कि उसका इलाज अगर कोई कर सकता है तो केवल साई। अरे ओ, पहली बार तुम दोनों ने सही काम किया है। सरकार ने तो पिछली बार भी यही कहा था कि पहली बार सही काम किया है। हमेशा यही कहते हैं, सरकार से इनाम पाना तो सपना ही रह गया है। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं सरकार। कुछ समझी? नहीं, उस कुष्ठ रोगी का अपने इलाज के लिए साई पर विश्वास आना, उससे क्या होगा? समझाता हूं। नहीं। तुम्हें और शिरडी को एक साथ ही समझाऊंगा। अरे ओ, भिक्षा दे माई। अल्लाह मालिक। दे भाई। राम जी भला करें। Thank you.
अल्लाह करम करे। गरीब इंसान गरीब सोच। जू जू सुनो तो, कुछ चाहिए? हाँ? नहीं। विश्वनाथ जी कह रहे थे चीयू के बिना घर बहुत सुना सुना लगता है। मुझे पता है मेरा यहाँ रहना तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन मेरा दुख समझना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। ऐसी बात नहीं है चीयूताई। चीयूताई चीयूताई मेरी बात सुनो। चीयूताई चूताई, बस वो तो ऐसे, वो तो मिलना भी नहीं चाहती है मुझसे। उसने एक बार पूछा तक नहीं कि उसके उसके बिना मैं कैसे रहा। पत्नी की नाराजगी तो बस दो पल की होती है, क्योंकि वो जानती है उसका पति उसे कितना प्यार करता है। आपकी और सरकार की तो बात ही अलग है। सुखी दाम्पत्य का जीता जागता उदाहरण है आप दोनों। कितने सुख, कितने स्नेह, कितने प्यार और कितने सम्मान के साथ कुलकर्णी सरकार ने आपको रखा है। शायद उनकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं। सौभाग्यशाली होते हैं वो पति पत्नी जिनके रिश्ते में प्यार और तकरार दोनों होते हैं, लेकिन हमारे रिश्ते में ऐसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। शायद कुछ गलती मेरी भी थी, मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था यहाँ पे। आप नाराज होती है तो सरकार उसी वक्त आते हैं ना आपको मनाने। जाइए, आपको तो चूताई से बात करनी ही पड़ेगी। कहाँ रहते हैं आपको पता है? साई? हाँ, वो वैद्य है ना जो किसी भी रोग का इलाज कर देते हैं। साई, 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 आपकी कृपा से मेरा बेटा जीवा एकदम ठीक हो गया है और परिवार से दोबारा जुड़ सका है।
और अब तो जीवा ने घर को ठीक ठाक करा के बहुत अच्छा बना लिया है। साई, आपसे एक प्रार्थना है, हमारे छोटे से घर में एक कमरा आपके लिए भी है, आप वहीं चल के रहिए ना, हम आपका ध्यान रखेंगे। चलिए ना, यहाँ इस खंडर में क्यों, और यहाँ तो दीवारें भी नहीं है। दीवारों की मुझे जरूरत ही कहाँ है मंगलू, दीवारें होती हैं तो दूरियां बढ़ जाती हैं, और मेरा जीवन तो ऐसी सभी दीवारों को गिराने के लिए, दूरियों को मिटाने के लिए समर्पित है। और मेरे इस खंडर में कोई भी कभी भी आ सकता है मेरे पास, बिना दस्तक दिए, बिना इजाजत लिए। मैं यहीं ठीक हूं मंगलू, राम जी तुम्हारा भला करे। सच, सब लोग सच कहते हैं आपके बारे में, आप बहुत ही नहीं, आप साई हो, मेरे साई। अल्लाह मालिक, अरे जिबरी, तुम अभी तक घर नहीं गई? एक काम रह गया था। काम? कैसा काम? अरे ये क्या कर रही हो? आई कहती है हर दिन गुरुजी के पाँव चूमे। अरे वाह, तुम्हारी आई तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती है तुम्हें। फिर तो तुम साई के भी पाँव छूती होगी। साई के? क्यों, वो तुम्हारे गुरु नहीं? वो मेरे दोस्त है, सबसे अच्छे दोस्त। दोस्त? साई तुम्हारे दोस्त कैसे हो सकते हैं? साई तो सबके दोस्त है, यहाँ तक कि वो गाय के भी दोस्त है, कुत्ते, घोड़ा, पक्षियों के भी। वो तो पूरे शिरडी के दोस्त है, आपके भी। सच? मैं आपसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगी, मैं उनके पास ही जा रही हूँ, आप भी चलिएगा, फिर देख लीजिएगा। पिछले जन्म का कर्म है जो इस जन्म में इस रूप में तू भुगत रहा है। दादा वहीं रुक जाओ। दीवारें होती हैं तो दूरियां बढ़ जाती हैं, और मेरे इस खंडर में कोई भी कभी भी आ सकता है मेरे पास, बिना दस्तक दिए, बिना इजाजत लिए। हर घातक रोग का एक ही मार्ग है साईं, और हर लाइलाज रोग का एक ही इलाज है साईं। आपकी कृपा से मेरा बेटा जीवा एकदम ठीक हो गया है और परिवार से दोबारा जुड़ सका है। आप बहुत ही नहीं, आप साई हो, मेरे साई। मुझे जिसका कोई इलाज नहीं, किसी ने मुझे कहा था कि आपके पास हर रोग का इलाज है, इसीलिए आपके पीछे पीछे आ रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मुझ पर विश्वास नहीं रहा? विश्वास को मरते देखा है मैंने, उसके बाद किसी पर विश्वास करना मुश्किल है मेरे लिए।
नहीं जानता कि मैं तुम्हारे इस रोग का इलाज कर सकता हूं या नहीं। मैं ये भी नहीं जानता कि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए, और जिस दिन उस पर तुम्हारा विश्वास तुमसे ये कहे कि मेरे पास चले आओ, उस दिन चले आना मेरे पास, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब जीवन में रुख का नजारा छा, मन में सदा श्रद्धा की ज्योति जला, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जुड़ शीश झुका।